उसका थी? तो स्टैटिक्स का कम्युनिकेशन टूट गया, ऐसा लगता है कि उस कैकरॉट ने उसे मार दिया। कितनी शर्म की बात है कि वो एक लो क्लास सीएन से हार गया। कम्युनिकेशन कटने से पहले मैंने ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ सुना था, इसलिए अब हम अर्थ पर जाएंगे। चलो नापा, ऐसा कहकर वेजिटा और नापा अर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। एक दिन अचानक से दो स्पेस पॉड अर्थ पर लैंड होते हैं। गोकू और बाकी सब कुछ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन डायरेक्ट समझ जाता है कि वेजिटा और नापा अर्थ पर आ चुके हैं। इसके बाद गोकू और बाकी सब वेजिटा और नापा की तरफ जाने लगते हैं। रेडिट्स को जिंदा देख वेजिटा कहता है, तो तुम जिंदा हो रेडिट्स? लगता है तुम्हारे भाई को देख तुम्हारा मन बदल गया है, लेकिन वैसे भी और कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तुम्हारी और कोई जरूरत नहीं है, इसलिए या तो तुम हमें ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताओ या फिर मरो। ऐसा कहकर वेजिटा रेडिट्स पर अटैक करने जाता है, लेकिन गोकू उसका रास्ता रोक लेता है और रेडिट्स के बदले फाइट करने लगता है। कुछ देर तक फाइट करने के बाद वेजिटा देखता है कि वो गोकू से बहुत बुरी तरह से हार रहा है और कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? कैकरॉट एक लो क्लास सैयन है, वो मुझे कैसे हरा सकता है? तभी रेडिट्स कहता है, क्या बात है वेजिटा, कहाँ गया तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस? और हाँ, कैकरॉट कोई लो क्लास सैयन नहीं है, वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक लो क्लास सैयन है और मैं अभी उसे हरा दूंगा। ऐसा कहकर वेजिटा अपने पूरे पावर्स को यूज़ करते हुए गोकू पर अटैक करने लगता है, लेकिन गोकू पर उसका कोई असर नहीं होता। ऐसा देख वेजिटा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने उजारो फॉर्म का यूज़ करके गोकू पर अटैक करने लगता है। वेजिटा के उजारो फॉर्म के साथ फाइट करने के दौरान गोकू को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, लेकिन गोकू अपने पावर्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करता है, जिसके चलते वेजिटा को उसके सामने हार मानना पड़ा। और वो कहता है, तो इसका मतलब ये सच है कि तुम एक लेजेंडरी सुपर सैयन हो? मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। मैं जानता था कैकरॉट कि तुम उसे हरा दोगे। I'm proud of you। इसके बाद वेजिटा गोकू के साथ ज्वाइन हो जाता है और गोकू वेजिटा से सब कुछ बता देता है कि वो ड्रैगन बॉल्स के जरिए क्या करने वाला है। और अब उन लोगों के पास एक और मिशन आ चुका था, गोकू के पेरेंट्स को रिवाइव करने के अलावा कि अब वो लोग फ्रीजा से उनके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उससे बदला लेंगे। वेजिटा सोचता है कि अब फ्रीजा को मरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब गोकू उनके साथ है जो कि एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। इसके बाद सब लोग प्लैनेट नेमक पर जाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं, ताकि वो लोग ड्रैगन बॉल्स के जरिए गोकू के पेरेंट्स को दोबारा से रिवाइव कर सके। इसलिए बुलमा एक स्पेसशिप बनाती है और वो प्लैनेट नेमक के लिए निकल पड़ते हैं। प्लैनेट नेमक पर पहुंचने के बाद वो लोग ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक से फ्रीजा भी प्लैनेट नेमक पर आ जाता है। फ्रीजा को पता नहीं था कि वेजिटा और बाकी सब भी प्लैनेट नेमक पर थे, लेकिन प्लैनेट नेमक पर लैंड होते ही फ्रीजा को वेजिटा और बाकियों की सेंस हो जाती है और वो तुरंत उनके तरफ बढ़ने लगता है। और वहीं दूसरे तरफ वेजिटा को भी सेंस हो जाता है कि फ्रीजा उनके तरफ आ रहा है। फ्रीजा के पावर्स को सेंस करके डेंडे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो फ्रीजा को उनके प्लैनेट को नुकसान पहुँचाने ना दे। गोकू उनकी बात मान लेता है और जाकर फ्रीजा से फाइट करने लगता है। गोकू और फ्रीजा का फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था। एक समय के लिए तो ऐसा लग रहा था कि फ्रीजा गोकू को हरा देगा, लेकिन ऐसे ज़्यादा देर के लिए नहीं लगता है, क्योंकि गोकू अपने पावर्स को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है कि फ्रीजा को गोकू से फाइट करने में प्रॉब्लम होने लगा। और फाइनली गोकू एक पावरफुल कामेहामेहा करता है, जिसके चलते सब कुछ दूर से भर जाता है और फ्रीजा गायब हो चुका था। ऐसा देख वेजिटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या कैकरॉट, फाइनली तुमने कर दिया, तुमने फ्रीजा को हरा दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फ्रीजा मर चुका है। इसके बाद सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और डेंडे आकर गोकू का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और कहते हैं कि गोकू को ड्रैगन बॉल्स के जरिए जो मिश मांगना है वो मांग सकता है। इसके बाद गोकू जाकर सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद डेंडे ड्रैगन बॉल्स के जरिए पोरुंगा को समन करते हैं। पोरुंगा के अपीयर होने के बाद वो गोकू से कहते हैं कि वो गोकू के तीन विशेष को पूरा कर सकते हैं। ऐसे सुनते ही गोकू कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स बार्डॉक और जीने को दोबारा से जिंदा कर दें। ऐसा सुनते ही पोरुंगा कहते हैं कि इस विश को पूरा करने के लिए उन्हें दो विशेष को यूज़ करना होगा। गोकू कहता है, ठीक है, तो मेरा आखिरी विश ये है कि आप उन्हें यहाँ इस प्लैनेट पर ले आए। ऐसे सुनते ही पोरुंगा अपने पावर्स का यूज़ करते हुए गोकू के विश को पूरा कर देता है और वहाँ से चला जाता है। गोकू देखता है कि उसके पेरेंट्स बार्डॉक और जीने दोबारा से जिंदा हो चुके हैं। बार्डॉक, क्या हम दोबारा से जिंदा हो चुके हैं? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कहते ही वो दोनों दाएं तरफ मुड़ते हैं और वो देखते हैं उनके बेटे गोकू और रेडिट्स। उन दोनों को देख बार्डॉक कहता है, जीने, क्या तुम वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या कैकरॉट, रेडिट्स। उन दोनों को देख बार्डॉक और जीने उनके गले लग जाते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं। तभी रेडिट्स उन्हें बताता है कि वो कैकरॉट है जिसने उन्हें दोबारा से जिंदा किया है और वही है जिसने फ्रीजा को हराया है। ऐसा सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें अपने बेटे पर काफ़ी ज़्यादा गर्व होने लगता है। तभी बार्डॉक कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने सालों बाद दोबारा से अपने फैमिली के साथ हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक की ब्लास्ट गोकू की तरफ आने लगता है।
लेकिन पिकोलो गोकू को वहां से हटाकर खुद उस ब्लास्ट का शिकार हो जाता है। सब लोग ऊपर देखते हैं, पूरे फ्रीजा नजर आता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी हालत में होता है। फ्रीजा को देख गोकू कहता है, क्या फ्रीजा वो जिंदा कैसे है? मुझे लगा था कि मैंने उसे मार दिया। बार्डॉक भी फ्रीजा को देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर तभी फ्रीजा कहता है, और अब मैं तुम सबको दोबारा से मिटा दूंगा, यू डैम सेयंस। ऐसा कहकर फ्रीजा दोबारा से एक अटैक करता है जो कि जाकर रैडिट्स को लगता है, और फ्रीजा बिना कोई टाइम वेस्ट किए रैडिट्स को गोकू के आंखों के सामने मार देता है। अपने भाई की मौत को देख गोकू अपना पूरा होश खो बैठता है। वहीं बार्डॉक गुस्से में पावर अप करके फ्रीजा पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो देख